चैतन्य मुनि प्रश्न है। रास लीला और कथा वाचकों द्वारा सुना गया है कि श्री भगवान कृष्ण गोकुल वृंदावन मथुरा तथा द्वारका में अपने बाल किशोर तथा तरुण स्वरूप में स्थित है। कहते हैं कि वृंदावन में गोपियां तथा श्री राधा जी ने उद्धव संवाद में भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन स्थित स्वरूप का दर्शन कराया है। इस विषय में कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण की हार्दिक प्रार्थना। शास्त्र में ही नहीं लिखी रही है, शास्त्र लिखने वाले जो कथा के शास्त्र जो भगवत भक्त है वे जो स्वच्छंद रूप से बोलते हैं उन्हीं के शास्त्र बनते हैं। किसी भक्त ने कहा है वही तो शास्त्र में लिखते हैं। शास्त्र में क्यों ढूंढते हैं? भक्त लोग जो कहते हैं गोकुल में बाल रूप से भगवान रहते हैं, नंदगांव में कथा रूप से रहते हैं, वृंदावन में किशोर रूप से रहते हैं, भक्तों की बात पर ही विश्वास कीजिए ना, उसको कोटी में ढूंढने की क्या है। अतीन्द्रिया असम गोकुआ पश्यन त्यार्थेन कथ गो भावान वचनम तो नानो माने न बात होते। अतीन्द्रिय असंवेद जो पदार्थ है उनको आर्थ दृष्टि से महात्मा लोग देखते हैं, उन भावों को देखते हैं जो इंद्रियों से नहीं देखे जाते, उन पदार्थों को देखते हैं जो इंद्रियों से नहीं देखे जाते, जो मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जाते, ऐसे पदार्थों को महात्मा लोग अपनी आर्थ दृष्टि दृष्टि से देखते हैं। वचनम के काम नानु माने नाक्यते, केवल अनुमान लगा करके अनुमान के द्वारा तर्क वितर्क के द्वारा अनुमान के द्वारा उनके वचन निष्कर्ष किए जा सकते हैं। जब कोई महात्मा कहता है कि हम सेवा केंद्र में भगवान को नित्य रास करते देखते हैं, जब कोई महात्मा कहता है कि हम निधन में श्री राधा रानी को पांव दबाते हुए भगवान को देखते हैं, तो उसको ना करने का कोई कारण नहीं। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान तो तदेजति संजय गति तदूरे तदवंत तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्या बाह्यता वही तदेजति नृत्य भगवान नाचते हैं। संजय गति निष्काम काम तदूरे वो नृत्य करते करते दूर चले जाते हैं, सदवंश के नृत्य करते करते पास आ जाते हैं, सदन तरफ से सर्वस्व गोपी मंडल से वे समग्र गोपी मंडल के बीच में अंगनाम अंगनाम अंतरा माधवम 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 शांतरे नंगना उपमा संकिते मंडले मध्यग संजगौ वेणुना देवकी नंदना चारों गोपी मंडल नृत्य कर रहा है और बीच में श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो नारायण महात्मा लोग जैसा वर्णन करते हैं विशेष करके भगवान के बारे में, वो तो भगवान जितना करते हैं उतना जो करते हैं जितना करते हैं जहाँ जहाँ करते हैं जब जब करते हैं जो जो करते हैं सब वेद शास्त्र मिल करके अब तक इसका वर्णन नहीं कर सके हैं और सब महात्मा भी मिल करके वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो वो करते हैं वो तो बहुत थोड़ा है, जो वर्णन किया जाता है वो बहुत थोड़ा है। इसलिए देखो ऐसा भगवान जो माँ बाप न होने पर भी माँ बाप बना ले, ये क्या आश्चर्य नहीं? जो सबका मालिक होने पर भी चोरी करे, कौन मानेगा भाई ईश्वर चोर है? कौन मानेगा कि निर्विकार होने पर भी गोपियों के साथ छेड़छाड़ करता है? कौन मानेगा सर्व समर्थ होकर के भी युद्ध में पलायन करता है?
भगवान की विलय ऐसी है अनिर्वचनीय, उसमें सब असंगत संगत हो जाता है, सब असमंजस समंजस हो जाता है। भगवान के बारे में ये संभावना कि भगवान और निराकार से साकार नहीं हो सकते, निर्गुण से सगुण नहीं हो सकते, साहूकार से चोर नहीं हो सकते और निर्विकार से विपक्ष, अरे भाई भगवान तो सब हो सकते हैं, इसलिए उनके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो कुछ भी शंकनीय नहीं है। नारायण उसको तो जो का क्यों स्वीकार करो और भगवान से प्रेम करो, वो जैसा है वैसे भगवान से प्रेम करो। ये मत सोचो कि उसमें ये है और ये नहीं है, ये सही है ये गलत है, सब सही गलत जो कुछ है तो सब भगवान में ही है। वही सत्य सत्य वही है, वही निदयनन का निदयनन का निरीक्षण का निरीक्षण का निदयनन का निदयनन का, वही छुट्टा भी है वही प्रगट भी होता है, वही वाणी से बोला भी जाता है वही नहीं भी बोला जाता है। उसके बारे में ये कहना कि ये चीज भगवान में नहीं होती है, ये भगवान के स्वरूप से ज्ञान से ही कहा जाता है। वो परस्पर विरुद्ध धर्मास्त्र भगवान है और सब कुछ उसमें है, वो है भी वो नहीं भी है, ऐसा भी है वो है भी वो नहीं भी है, वो ज्ञान स्वरूप भी है वो अज्ञान स्वरूप भी है, वो राग भी है वो वैराग्य भी है, वो कोर भी है साहूकार भी है। नारायण वो सत भी है असत भी है, लिखा नहीं देखे सब असत क्या हम अर्जुन, मैं ही सत हूँ मैं ही असत हूँ, न सत कन्ना से दुख थे न वो सत है न असत है, और सब सत तत्परंजक सत भी वही असत भी वही उसके परे भी वही। भगवान के बारे में ये मत सोचो कि ये भगवान में नहीं है, सुनो एक था भगत, वो एक पंडित जी के पास जाके कहता था महाराज हमको भगवान का दर्शन करा दो, भगवान का रूप बता दो उसका ध्यान करें। पंडित जी बेचारे कुछ मालूम तो पहले कुछ खाने और सुनते सुनते उग गए बोला उद्विग्न हो गए, उद्विग्न हो गए तो एक दिन झुंझला के उन्होंने कहा कि जा बकरे का ध्यान कर, भगवान बकरे के रूप में, बकरा तो आप जानते हैं, अब जाके बकरे का ध्यान करने लगा। ऐसी प्रीति बड़ी उसकी कि भगवान प्रसन्न होके उसके दर्शन देने के लिए आए, मुरली मनोहर की काम उधारी हम मणिमंद मुस्कुराते हुए रोम मरी के तुरंत देखते हुए मुक्त मुक्त चलते हुए सामने आके खड़े थे। उसने पूछा तुम कौन हो जी, तुम कौन हो जी, बड़े मजबूत लगते हो बड़ी अद्भुत लगते हो पर हो कौन, बोले मैं भगवान हूँ जिसका तुम ध्यान करते हो, बोले ज्ञान ये बात नहीं है, हमारे गुरु जी ने हमको बताया है कि बकरे के रूप में भगवान होते हैं ने? तो हमको बकरे के रूप में तुमको देख जब देखेंगे तब पहचानेंगे कि तुम भगवान हो। महाराज कृष्ण का सदाई लो मैं बकरे बन जाता हूँ, तो बकरा बन के उसके सामने खड़े हो गए कि सब सर्वम अभवत स एक था भगवती दुधा भगवती बकरा बन गए। उसने कहा कि मुझे अभी विश्वास नहीं होता तुम कहीं कोई जादूगर हो, पहले तो मनुष्य बन के आए अब बकरा बन गए तो तुम ही भगवान हो कि नहीं हो, हम कैसे माने कि बकरा भगवान, बोले कि बाबा जैसे तुझे विश्वास हो तो कर, तो बोले हमारे गुरु जी के पास चलो जब वो कह दे कि तुम ही भगवान हो तब मानेंगे। चल भाई चलते हैं, उसने कहा कहीं तुम बीच में हमको छोड़ के भाग दो तो फिर हमारी तो बड़ी बदनामी होगी, तो सब क्या चाहता है तो हम कान पकड़ के ले चलेंगे। अब नारायण भगवान ने कहा भाई ठीक है कान पकड़ ले, अब ले गए वो पंडित जी के पास तो पंडित जी क्या जाने की बकरे के रूप में भगवान, वो बोले अरे तो बकरा है, तो नहीं नहीं भगवान ने कहा मैं बकरा नहीं हूँ मैं भगवान हूँ, ये बकरे के रूप में ध्यान किया इसलिए बकरा बन के आया हूँ, अब
तो महाराज पंडित जी को भी गुरु जी को भी दर्शन हुआ और भक्त को भी दर्शन हुआ। तो भगवान ही असल में सर्वरूप है, सर्वम अभव, भगवान सर्वरूप है। ये भगवान भगवान साकार नहीं हो सकते, भगवान अवतार नहीं हो सकते, भगवान मूर्ति नहीं हो सकते। ये तो महाराज उन लोगों की बात है जो भगवान के स्वरूप के संबंध में कभी महात्माओं का सत्संग नहीं किया है, उन लोगों की बात है। हमारे तो फिर सिंधु भगवान ईश्वर की चर्चा शुरू कर दो और अपना संस्कार उनके मन में जाए तो जाए, उनका संस्कार अपने मन में अभ्यंतर समान संतोष और रस दोनों पर जैसे धन की प्राप्ति से योगी को संतोष होता है, जैसे स्त्री की प्राप्ति से कानून में बाधा की होती है रमन होता है, ऐसे अपनी संतुष्टि और अपनी गति शांति क्षण रमन की पंडित ने गीता की टीका लिखी है। तो ये तो भगवान के साथ
वो आदान प्रदान हुआ भक्ति और ज्ञान का। दूसरी प्रक्रिया ये है, महिषानंद योगेना भक्ति रखी जा रही है। तेरहवें अध्याय में ज्ञान का अधिकारी भक्त को अद्भुत है। गीता में भक्त अधिकारी है और शरणागति अथवा ध्यान उसको फल के रूप में प्राप्त होता है। धर्मांतर से जैसे भाष्या श्लोक उधम से ना तपस्या है ना भक्ता है सदाचन नेता कुछ शुरू शुरू भाष्य मित्र न तमाम वो भी ना भक्ताएं कहा। ये शरणागति का जो उपदेश है वो अभक्त को नहीं देना, माने भक्त को शरणागति का उपदेश करना। भक्ति में कुछ पौरुष का लेश पेश करता है और शरणागति में पौरुष का लेश करना कुछ नहीं देता। इसलिए शरणागति का पूर्ण शरणागति का अधिकारी भक्त है। तेरहवें अध्याय में बताया कि भगवत विज्ञान का आत्म विज्ञान का अधिकारी मदभक्त एक मदभावाय को पढ़ते थे। मदभक्त एक विज्ञान मदभक्त अधिकारी एक विज्ञान ब्रह्म ज्ञाता मदभावाय को पढ़ते थे। अधिकारी विज्ञान का विषय और तीनों का निर्देश एक अधिकारी ने कर दिया। मदभक्त एक अधिकारी मदभावाय को बचे थे वो भक्त हुआ अधिकारी। अब साधन क्या होगा, हमारे सब अलग रूपों में साधनों की गणना करते करते नई कानूनी जीवे न भक्ति रखे भी कानूनी अन्य अनन्य योगी नकार अन्य योग व्यवस्थित और अव्यपचारिणी का अर्थ अनन्य दूसरे के साथ भक्ति न जुड़ना ये अनन्य योग है और केवल भगवान के साथ ही जुड़ना ये अव्यपचारिणी है। दूसरों को जागृत करने के लिए अनन्य योग और भगवान के साथ जुड़ने के लिए अव्यभिचार। जैसे एक पति प्रता अपने पति के अतिरिक्त और किसी को पुरुष भाव से देखती ही नहीं है वो पुरुष उत्तम से अस्पष्ट मनमा है और बने हैं आन पुरुष विभिन्न वो अनन्य योग है। माने जब अन्य पुरुष ही नहीं है परमात्मा के सिवाय अन्य पुरुष के लिए ही नहीं है तो अनन्य योग हो गया। दूसरे के साथ संबंध और अव्यभिचार केवल अपने पति के साथ ही योग है। भगवान ही केवल अपने स्वामी है अनन्य योग को अव्यभिचारिणी भक्ति ये ज्ञान का साधन है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ये भक्ति छोड़ के कहीं भाग नहीं जाती है। जिस अंतरकरण में भक्ति रहती है ज्ञान के चिन्ह वो अपने आश्रय का परिज्ञान भक्ति ऐसी कृतज्ञ है और ऐसी अनन्य निष्ठ है। इसी अंतःकरण में भक्ति का प्रवेश हो गया चाहे तत्व ज्ञान हो जाए आत्मा ब्रह्म रूप अपने स्वादिवत क्षेत्र स्वभाव भजनम है। अंतःकरण का स्वभाव ही हो जाता है भगवान का। तो
ज्ञान होने के पश्चात उसी से गुणातीत के लक्षण में मान को योग्य अधिकार लेना अच्छी योगी निश्चय से सगुणान कल्पते वैसे गुणातीत होने के साधन के रूप में ही वहाँ भक्ति का वर्णन है। मान से योग्य अधिकार लेना भक्ति योग्य निश्चय से, परंतु गीता में अन्य ब्रह्म पूतक प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परां भक्त्यानाम अपि जानाति। वहां ब्रह्म पूतक प्रसन्न आत्मा के लिए भी मद भक्तिं लभते परां का वर्णन है। और चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृति अर्जुन, उनमें ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। हाँ वही चतुर्विधा भजन्ते माम में ज्ञानी भगवान का भक्त है। उदारा स्तर ज्ञानी स्वात्मतम युक्त आत्मा मामे वाणुस्तमान गतिम, तो ज्ञानी पुरुष में भक्ति न रहे ऐसा नहीं है, ज्ञानी में भी भक्ति रहती है। और तो बाबा स्वरूप में परिवर्तन तो ज्ञान करता ही नहीं है, ज्ञान का काम स्वरूप में परिवर्तन नहीं है, ज्ञान का स्वरूप अज्ञान को मिटा देना है। इसलिए तुम वृत्ति के स्वरूप में परिवर्तन मानते हो ये बात दूसरी है, वो वृत्ति के स्वरूप अभिप्राय है, उसमें चाहे जैसी भक्ति हो वो भगवान की भक्ति ही है। क्या ज्ञान सिद्ध वस्तु का बोधक होता है, किसी वस्तु का परिवर्तन करता नहीं होता है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, चाहे सत्य भक्ति आवे चाहे दास्य भक्ति आवे चाहे मधुर भक्ति आवे, जो ज्ञान के पूर्व जैसी भक्ति आ जाएगी, अभेद भक्ति आवे परा भक्ति आवे, वो भक्ति तो भक्ति ही रहेगी। अंतर क्या है विचार करके देखने को, तत्व ज्ञान के पहले अब आप आस्तिक भक्ति हैं, हम अभ्यास करके भगवान से प्रेम करते हैं, और तत्व ज्ञान के अनंतर स्वाभाविक भक्ति है। देखो भगवान जब तक अन्य हैं तब तक प्रयत्न करके उनसे प्रेम किया जाता है, लेकिन जब स्वरूप ही है भगवान तो अपने आप से स्वाभाविक प्रेम रहता है और होता है। प्रेम करना आत्मा से प्रेम करना नहीं पड़ता और दूसरे से प्रेम करना पड़ता है, इसलिए जब दूसरा अपना हो जाएगा और अपना दूसरा हो जाएगा तो बिना अभ्यास की जो स्वाभाविक प्रीति है वो जीवन में रहने लगेगी। देखो किसी भी कर्म के करने में जो वृत्ति है संतोष है, वृत्ति का अंतःकरण वृत्ति का निर्माण वही को उत्तर कर्म होगा बाहर और उसका फल होगा बाहर की वस्तु का मिलना फल नहीं है, अंतःकरण में उस कर्म को उत्पन्न होने वाली तृप्ति और प्रसार और संतोष फल तो वृत्त्यात्मक है, वो भी होता है तो वो भी तो उसका प्रभाव ग्रह पर नहीं पड़ता, उससे ग्रह प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस ग्रह का प्रभाव जो व्यक्ति पर पड़ना होता है उससे वो सुरक्षित हो जाता है। साफ रूप जैसे किसी चीज को बड़ी को
वो पानी तो जो का कम रहता है, साथ भी रहेगा, लेकिन वो बड़ी सुरक्षित हो जाएगी। तो ये जो कर्म है, ये किसी ग्रह को नहीं बताता, बल्कि इसके लिए कर्म अनुष्ठान किया जाता है, उसको सुरक्षित करता है। कर्म का प्रभाव समुचित समष्टि पर या समष्टि के ग्रहों पर एक व्यक्ति के कर्म का फल पाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति को सुरक्षित कर देना ये उसका माने प्रतिदिन का नियम पूरा होने पर जो एक संतोष होता है कि आज का नियम पूरा हो गया, वो तो बहुत बड़ी शक्ति देता है। करा सकता है, पर यदि रोग में भी नियम पूरा किया जाए तो उससे जितना संतोष होगा उतना आरोग्य दशा में करने से संतोष नहीं होगा। थोड़ी हिम्मत करके कर लेना चाहिए। आसक्त तो संग जाते हैं, लघु शंका करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो नियम ही एक ऐसी चीज है कि उसको उसको छोड़ दें, दूसरे से पालन करना और कष्ट उठा के पालन करने से एक व्यक्ति को जानते हैं और वह औषधि नहीं खाते, पचास वर्ष को नहीं खाते कोई औषधि, परंतु रोज कुएं से पानी खींच के अपने हाथ से स्नान करते हैं। अब उनकी उम्र 70 वर्ष 80 वर्ष के लगभग है, संध्या वंदन रोज करते हैं, अपने हाथ से कुएं से पानी खींच के स्नान करते हैं। ये जो नियम का पालन है ये बहुत बड़ी शक्ति देता है, और इसमें जो आलस्य करते हैं उनका नियम होता है। और जो अपने नियम का पक्का नहीं है वो ज्ञान से सिद्ध जो वस्तु है उसमें निष्ठा रखने में भी पक्का हो जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। वो भगवान पर विश्वास भी हमेशा रखेगा, यही पक्का है। एक तो आजकल उनका जो संप्रदाय है वो उत्तीर्ण हो गया है, मिलता नहीं, इसलिए उपासनाएं को जिनका प्रणवादी की उपासना का संप्रदाय चलता है वही उचित रहता है। जिन संप्रदायों की जिन उपासनाओं के संप्रदाय नष्ट हो रहे हैं उनको मनमाने होने सही नहीं है। और उपासनाओं में उपनिषदों में जो उपासनाएं हैं उनका तो उपासना करने में तात्पर्य है ही नहीं, या एवं उपास से या एवं वेदा, जो ऐसी उपासना करता है और जो ऐसा जानता है दोनों का फल एक होता है। तो उपनिषदों में उपासना करने का जो फल है वही जानने का फल है, इसलिए उनके ज्ञान में ही उनका तात्पर्य है, उनकी उपासना का अनुष्ठान करने में फल नहीं है, उनकी तात्पर्य नहीं है। और अंत को बच्चा तो वह दीपा में भी जैसे 8वें अध्याय में योगाभ्यास का वर्णन है, और वैसा जो अंतर जो मूर्धन्या धारा मना प्राणम आपके को योग धारणा जो अंत में बोल दिया बेटे को यज्ञ से तपस्व सहयोग फलम पर विष्टम अत्य तत्कर्म वेदम भेदित्वा योगी परम स्थान उदय की चाहते हैं। जिन बड़े बड़े यज्ञों के करने का जो फल है
उसका जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो उन फलों का अतिक्रमण कर जाता है। अब फिर भी तब समान उन फलों की इच्छा ही नहीं रहेगी, नाराज हो जाएगा। मंत्र जो पूर्व भाग है वो तो अनुष्ठान कर रहे हैं और जो उत्तर भाग है वो ज्ञान कर रहे हैं। वेद में जो एक तो मंत्र विभाग है, मंत्र है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, कर्म है, तो एक तो अनुष्ठान विभाग है लोगों का, अपरा विभाग, तो वो तो करने से ही उनका फल मिलता है। और ये जो उत्तर भाग है ये ज्ञान की प्रधानता से भी पवित्र होता है। अनुष्ठान के बिना कर्मकांड फल नहीं देता है और ज्ञान अनुष्ठान के बिना ही फल देता है। ये कर्म का अंग नहीं है। अब जैसे देखो तुम्हें आनंद का वर्णन है ना, ये मानुष आनंद एक होते हैं गुबा मानुष और एक प्रजापति का आनंद प्रजापति का आनंद है, प्रजापति का आनंद है, वो सब आनंद अकाम हक श्रोत्री को प्राप्त होता है। तो वहां उनके आनंद की विशेषता बतानी है, तात्पर्य नहीं है, बल्कि श्रोत्री विश्वास है।